मलसा में न आज पूरी दुनिया में जो वो नंढा जो वेजाड़ है वारो आलमी दिन मल्हायो पियो जाए हूँ तो साथियों आलमी दिन काफ़ी मल्हाया जाए था पर 20 नवंबर से अकवाम मुतहदा तरफा ये ढी तय कर बारड़ान लाइ वो ये ढी मल्हायो जाए। साथियों ये ढी मल्हण वो मकसद की है खोड़ सारा जो वो मकसद थे सकें था पर बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि असें जो नंढा बार वारा जो बुनियादी हक हुए था वो असें ना दिया फर्ज करो जिन तैलीम है वो बार रो बुनियादी हक है। साथियों वेचारा जो वो वेचारा नंढा हुए था उमर माइतरा से जो वो फर्ज थे तो कि वो आप औलाद ना तैलीम याफ्ता करें तैलीम जड़े जेवर से जो वो ना सिंगारें वो ना आरास्ता करें माइट जो औलाद रो ख्याल कि रखे तो पछे जो है बीजो वरों को तो रखे सके। मोल सामीन जो वो हूँ हिणा अवा माइतरा ना ही कहीस के अभी जहाँ आप औलाद ना जो वो पढ़ासो तो सवार वो पढ़े लिखे यकीन अवानी जो वो पीढ़ी में वही मदद कर स बाकी ठल जी आप औलाद में उम्मीद रखसो तो ये मेरे ख्याल में अजा ही उम्मीद आई। खैर औलाद में तो जो हर माइतर ना थोड़ी या घनी उम्मीद जरूर होती वो पलन न खबजे पर तैलीम याफ्ता जो औलाद हो से पढ़ल लिखल हो से तो वो यकीन अवान अगते जो वो अवानी पीढ़ी में वो सहारो थे सके तो वो सुठे तरीके जो वो अवानी खिदमत चाकरी कर सके तो। साई मजा असाजे थरपारकर में खास तौर से जैसे बारहाड़ी में दिठो जाए तो जो नंढा बार वारी जो तैलीम है वो तमाम घनी मुतासरपण है तो भेड़ो भेड़ो जो तैलीम री शरह है वो तमाम थोड़की है असो ये आवाज़ भेटा था भटके थर जहाँ भी गाँव में जो वो सुझे पे तो असं सजा माइतराना का असा कि बर मेहरबानी पर जी नंढिया नंढिया मासूम गुलां जड़ा जी बार वह ना अवे जो वो स्कूल मोकलो वना जो वो पढ़ाओ वना घर रा कमकार जो वो न दसो काफ़ी असाजे थर में जो वो अड़े कम्युनिटीज नालो कहो नो खा पर उारा जो वेजाड़ा हुए था वो नंढे हथ खाएं जो ऐसे वो या तो जो खेतर खेड़न नो कम करें था लकड़े झुरन नो कम करें था या मेहनत मजदूरी करें था तो असाना जो वो साथियों पर अंदर में जो वो एहसास धारण खपजे एक जिम्मेवार फर्द थे करे एक जिम्मेवार माइतर थे करे आप औलाद ना जो वो पेट से पत्थर रखे पण वो ना पढ़ण खपजे। साई मजा तैलीम का सवा बीजा पण बारडारा तमाम घना हक जिके में वरी बेहतरीन तरबियत पण जो वो फिलहाल जो वो जेस तई वो बालक नो थे उस तई वो हक है तो वरों माइतरा वो फर्ज है तो सुठी तैलीम से गड वरी तरबियत पण करें उवा सामिन अवे आप औलाद ना जो वो अड़ो माहौल लो जो से वो एक मुआशरा रो अगते हले बेहतरीन फर्द पण थे उवा साथियों कोई गरीब है कोई अमीर है पर हर जो वो माइट चाहे तो कि हूँ औलाद ना जो वो सोरो सुखियो रखा हवाले से वो खाद खुराक रोपन जो वो हक जो वो थे तो सुठे तरीके जो वो वरी तरबियत करण खपजे खाद खुराक खा ले तैलीम खा ले एक अड़ा बुनियादी साथियों हक बारड़ा रहा जो असाज समाज में जो वो असाजा जो नंढिया नंढिया वेजाड़ा हुए थे ना 100% जो वो पूरा नथा मिले जरूर मिले भी था पर पूरो जो वो हक जितो थे तो वो नथो मिलन खपे। बहरहाल अज जो वो ये बारड़ा आलमी ढी है ये ढी ते जो वो न सिर्फ असा ये ढी ते जो वो बारड़ा ख्याल करण खपजे बल्कि साल 365 ढी जो वो असि अपना एज का असा कि आप बारड़ा तमाम घो ख्याल रखो वना स्कूल मोकलो वाली सुठी तरबियत करो
सुठो जो वो माना खोराओ तदें जो वो साथियों वो सुठा इंसान थे सकें था सुठो आपरे जो वो बारणा ला माहौल पैदा करो माहौल लो साथियों मतलब ये तो जरूरी को अवे घर का बाहर कड़ो माहौल है बल्कि आपरे घर अंदर पण अवें जैसे आपरे औलाद रहा सुठो माहौल लगसो तो सवार वो अवज औलाद पण उए नाच जुका वो फॉलो कर से उए तेज अमल कर से ओड़ो जिंसान दी से मिसाल तौर जैसे हमें अपने घर अंदर जैसे अपने निडिया वेजाना रूबरू सिगरेट पीसो तो यकीन वो बाड़पण अवाना जुका वो अवज नकल कर से ओज ओड़ो थी से त ये नंढे मिसाल में सामिन अवे समझ सको था पेरल साथियों प्रोग्राम में अना अभासी तमाम घने बातें कर सा मगर फिलहाल समोसी की दुनिया में सुनसा सादिक फकीर रो मिठड़ो आवाज़ जिके में पण वो जिक्र एज कर रो है कि नंढा बाड़ा ना लिखाओ पढ़ाओ पछे सजी कौम सुधरे पास है।